नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। थाना सावाद क्षेत्र के घर में रखे सिलेंडर में आग से पूरा मकान चपेट में आ गया। भयंकर आग से मकान में रखा हर सामान राख हो गया। गनीमत रही कि सतर्कता के चलते परिजन बाल बाल बच गए। लपेट उठती देख मौके पर जुटे आसपास के लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया। बाद में दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों के अनुसार उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। घटना से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच रही है। नगर के मोहल्ला अमीर अली खान निवासी बुरकान मेहनत मजदूरी करते हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम को उनकी पत्नी ने रसोई में गैस सिलेंडर बदला था। उन्होंने सिलेंडर चेक किया तो रिसाव के चलते सिलेंडर ने आग पकड़ ली। जरा देर में दोनों ही सिलेंडर सुलग उठे। खतरा भापकर परिवार के लोग बाहर आ गए और लोगों को मदद के लिए पुकारा, जिस पर आसपास मौजूद लोग मोहल्ले में पड़ी बालू और पानी के साथ आग पर काबू पाने को जुट गए। घर में रखी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन्वर्टर सभी आग के गोलों में तब्दील हो गए। लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकालकर आग बुझाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी देर की मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। रामपुर से वासिक खान की रिपोर्ट। ये थी आज की ताजा खबर। देश और दुनिया की और ताजा खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।